तो अब तक हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखे थे, बेस सीखने के बाद रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आरोही और अवरोही, आरोही क्रम में वैल्यू पूछ ली जाती है, पर इसमें भी आपको लैंग्वेज में उलझाया जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अवरोही और आरोही कौन सा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बढ़ता क्रम, और इसको क्या बोलते हैं, घटता क्रम। एक तरीके से हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें अक्षर कितने हैं, तीन, इसमें कितने हैं, चार। तो जिसमें अक्षर ज़्यादा हैं उसमें पहले बड़ी वैल्यू आएगी, जिसमें अक्षर कम है उसमें पहले छोटी वैल्यू आएगी। तभी छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, तो बढ़ता क्रम बन जाएगा। बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो घटता क्रम बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो लैंग्वेज दो तरीके से लिखी होती है। जैसे आपको कोई संख्या लिख देगा, जैसे यहाँ से उसने लिख दिया कि 1 2 5 4 3 7 9 8 6, ये लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से अब दो लैंग्वेज आती है कि इस संख्या को यदि आरोही क्रम में सजाया जाए, यानी इस संख्या को आरोही क्रम में सजाया जाए, तो पहला क्वेश्चन तो लैंग्वेज में ऐसे बोल देगा जी, कितने कितनी ऐसी संख्या होगी जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। आसान सा इस तरीके से लैंग्वेज में लिख दिया जाता है, मतलब कि दी गई संख्याओं को यदि आरोही क्रम में सजाया जाए तो कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहां से देखो, अगर मैं इसको लिखूं तो 0, यानी आरोही क्रम मतलब पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ये रहेगा। तो इसमें 0 लिखूंगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। हाँ, क्या हो गया, फिर 4, फिर 5 6 7 8 और 9, ये आ जाएगा, क्लियर है। यानी आरोही क्रम में लिखना है तो कितनी ऐसी संख्या होगी जिनका स्थान है परिवर्तित रहेगा। तो यहां से आप देखोगे कि 2 जहां था वहीं है, 4 था वहीं है, 8 था वही है, क्लियर है। यानी तीन ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्थान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी जो थे वही हैं। या क्या करेगा, इसी चीज को एक अलग लैंग्वेज में लिख देता है कि दी गई संख्याओं को यदि आरोही क्रम में सजाया जाए तो कितनी ऐसी संख्या है जो प्रारंभ से उतनी ही दूर है जितनी पहले थी, ठीक है। यानी इसमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो प्रारंभ से उतनी ही दूर है जितनी पहले थी। तो यहां से देखोगे कि ये 2 पहले कौन कितनी दूर था, तीसरे स्टेप पे था, तो अब भी कौन से स्टेप पे है, तीसरे। यानी पहले भी 3 स्टेप दूर था, अब भी 3। ये पहले भी 5 कदम दूर था, अब भी 5 कदम दूर। ये पहले भी 9 कदम दूर था, अब भी 9 कदम दूर है। यानी प्रारंभ से जितना दूर था उतना ही दूर अब है। यानी इस चीज का और इसका मतलब क्या है, सेम है, बस भाषा अलग अलग हो जाती है कि कितना ऐसा जिनका स्थान है परिवर्तित रहेगा। ये आपसे पूछ लेगा कि उतनी ही दूर है जितना पहले था। अब नंबरिंग पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। ये नहीं है कि इतना आसान आपको ये दे देगा और पूछ लेगा। कभी इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी अल्फाबेट पे अगर पूछा जाता है तो अल्फाबेट पे पूछा जाता है। फिर भी हम 2 क्वेश्चन इसमें लिख लेते हैं, फिर इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे कि कैसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां से अब मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा, आप मुझे जल्दी से उसका आंसर दोगे।
पहली वैल्यू है 1075 2834। अगर इसको अवरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने ऐसे होंगे जो प्रारंभ से उतनी ही दूर है जितने पहले थे? या दूसरा, आरोही क्रम में लिखने पर उतनी ही दूर है जितना पहले था। इसमें इसमें कितना रैंक आया है, कितनी संख्या ऐसी हैं जिनका स्थान है परिवर्तित है या उतनी ही दूर है? तो देखो, अवरोही क्रम मतलब बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, तो बड़ी वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, 9, फिर 8, फिर 7। अब यहाँ गलती से ये ना हो कि आप 6 लिखते हुए आगे चलो, क्योंकि 6 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना? कि 9 हमें तो ये वैल्यू लिखनी है सिर्फ, तो 9, फिर 8, फिर 7, और उसके बाद क्या है, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। और हम देखेंगे कि 1 7 और 1 5 दो ऐसी संख्या है जो पहले भी उतनी ही दूर थी जितनी अब है, या जिनका स्थान अपरिवर्तित है, कोई भी लैंग्वेज जो भी आए, ठीक है ना? वैसे ही इसमें आपको कौन सा क्रम लिखना है, आरोही, तो मतलब छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू क्या है, 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, उसके बाद 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक ये और एक ये तीन ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है। तो ये बेसिक तरीका है। अब इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया जाता है आपको कि आपको कोई शब्द दे देगा, जैसे इंग्लिश में आपको ये लिख दिया कि ब्यूटीफुल, ठीक है, आपको यहां लिख देगा कि ब्यूटीफुल को, अब लैंग्वेज क्या लिखेगा कि ब्यूटीफुल को अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित का मतलब हो गया कि जो पहले आता है उसको पहले, बाद में आता है उसको बाद में। तो फिर ऐसे कितने हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो क्या आंसर आ गया इसका? देखो, अब इसको दो तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको लिखना शुरू कर दो। तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, तो मैं पहले ए लिखूंगा, उसके बाद बी, उसके बाद क्या आएगा, ई, उसके बाद एफ, उसके बाद आई, उसके बाद एल, उसके बाद टी, और उसके बाद यू, और फिर यू, ठीक है ना? क्योंकि दो यू हैं तो दो यू आ जाएंगे। तो यहां से देखूंगा एक ऐसा यू है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, बाकी सभी का अपना अपना स्थान बदल गया। अब ये क्वेश्चन बेसिक है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता, इसमें आगे से आगे मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। इसका एक तरीका और भी हो सकता था, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं होते। यहां से मैं एक तरीका और भी कर सकता था, इनके नंबर लिख सकता था, बी किस पर आता है, ए किस पर आएगा, ये 1, ये 22, ये 20, ये 9, 6, 22 और 12। नंबर लिखने के बाद रैंक लिखना आसान हो जाता है। देखो, 1, उसके बाद 2, पहले 1 फिर 2, फिर यहाँ से देखेंगे कि उसके बाद 5, फिर 6, फिर 9, उसके बाद 12, उसके बाद 20 और फिर 22 और 22। अच्छा हाँ, ये 21 21 आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब आप इस तरीके से इस चीज को नंबर में चेंज करके भी लिख सकते हो,
ठीक है ना। नंबर में चेंज करके लिखने का फायदा क्या है, जैसे एक शब्द ओ लिख लेते हैं हम कि हमें आ गया डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर लिखा हुआ है और पूछ लिया गया कि अगर इसको अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम से व्यवस्थित कर दिया जाए, मतलब जो पहले आता है वो बाद में, जो बाद में आता है वो पहले, तब ऐसे कितने होंगे जिनका स्थान है परिवर्तित रहेगा, क्या आंसर आया है। अब दो तरीके होते हैं, या तो आप इसमें से देखो कि कौन सा अक्षर बाद में आएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक तरीका। दूसरा आप इस क्वेश्चनों को स्टार्टिंग से हैबिट में ये लेके आओ कि इसके रैंक लिखो, 4, 9, 19, 20, 5, 13, 16, 5 और 18, क्योंकि जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आते हैं वो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। अभी आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 20, फिर 19, फिर 18, फिर 16, उसके बाद 13, उसके बाद 9, उसके बाद 5, फिर 5 और फिर 4। तो आप देखोगे कि एक ऐसा 5 है जो चेंज नहीं हुआ, अदरवाइज सभी क्या हो गए, चेंज हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक। दूसरी बात और, यहाँ आपने एक ध्यान और रखना है, एक गलती हो सकती है इन क्वेश्चन में। गलती क्या हो सकती है, पहली बात तो ये होगी कि इसका जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा 0, 1, 2 और 3। तो कल को आप बोलो जी मैं तो सिर्फ एक की गलती करके आ गया, आंसर एक था, 2 हो गया। तो गलती ऐसी ही होगी, एक की गलती होगी। दूसरा, इस केस के क्वेश्चनों में गलती क्या होती है, इसमें ऐसे होता है जो ऑप्शन नंबर एक होता है वहां ऑप्शन मिलता है 0, ऑप्शन नंबर 2 पे आंसर मिलेगा 1, ऑप्शन नंबर 3 पे आंसर मिलेगा 2 और ऑप्शन नंबर 4 पे आंसर मिलेगा 3। ऐसे जल्दबाजी में क्या होता है, आपका आंसर एक आया है और आप ऑप्शन एक टिक कर देते हो, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम। गलती होने का चांस बहुत बार होता है और काफी बच्चों के साथ होता है कि आंसर मान लो जैसे 2 आ गया, जल्द में क्या करते हैं 2 ऑप्शन टिक कर देते हैं, ऑप्शन 2 टिक नहीं करना है, जहां 2 आंसर था ऑप्शन तो 3 है। वो इन्हीं क्वेश्चनों में गलती इसलिए होती है क्योंकि यहाँ 4 ही ऑप्शन होते हैं और 4 ही आंसर होते हैं, एक ऑप्शन एक आंसर या 2 ऑप्शन 3 आंसर या 3 ऑप्शन 4 आंसर, ऐसे। इसलिए स्पेशली जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ 1 से लेकर 4 या 5 तक आंसर आता है, वहां ये गलती होने का चांस रहता है और लगभग काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये गलती कर देते हैं। तो ये स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखोगे कि आंसर 2 आता है तो हम, क्योंकि 4 ही ऑप्शन 4 ही आंसर है, तो दूसरा ऑप्शन टिक हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखोगे। अगला लिखो इसमें, जैसे आपको बोल दिया कि शब्द, ऑब्जेक्टिव में सवर पहले वर्णमाला के अनुसार लिखे गए हैं, पहले सवर लिखे गए हैं और कैसे, वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, और व्यंजन बाद में लिखे गए हैं वर्णमाला के उल्टे क्रम में, यानी सवर तो लिखे गए हैं पहले और वो भी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट यानी वर्णमाला के अनुसार, और जितने भी व्यंजन है वो बाद में लिखे गए हैं और वो भी उल्टे क्रम में। तो बताओ कितने ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन वही 0, 1, 2, 3 हो गया, क्या आंसर आया है। एक आंसर आया है, इसके अलावा किसी का। देखो अब यहां हमें कंफ्यूजन ना हो, गलती भी ना हो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए जहां सवर और व्यंजन दोनों हो, सवर ज्यादा होते हैं या व्यंजन ज्यादा होते हैं, सवर कम होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसलिए, क्योंकि इतना तो पता है ना हमें सवर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं, इसके अलावा जो बच गए वो क्या हो गए, व्यंजन हो गए। तो हमें जो कम होता है पहले, वो कंडीशन के लिए आप देखोगे कि ओ आ गया,
ई आ गया, आई आ गया, ई आ गया, ठीक है ना। पहले हम उनको व्यवस्थित कर देते हैं कि सवर को क्या करना है, वर्णमाला के अकॉर्डिंग करना है। और कहाँ करना है, क्या बताया था, सवर को वर्णमाला के अकॉर्डिंग करना है और पहले करना है, ठीक है। पहले करना था तो वर्णमाला के अकॉर्डिंग करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ई, उसके बाद सॉरी ई और है, उसके बाद आई और फिर ओ, ये आ गए, ठीक। यानी सवर को वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखना है, मतलब जो पहले आता है, ई पहले आता है तो पहले, फिर आई आता है, फिर ओ आता है, ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, बचे हुए व्यंजन यहां लिखने हैं, और वो भी किस तरीके से, उल्टे तरीके से। तो एक ही बात होती है, चाहे तो आप सबसे बाद में आने वाला पहले उठा लो, या आप जो सबसे पहले आने वाला है वो उसको लास्ट में लिख दो, कोई भी तरीका कर सकते हो। इसमें मैं ऐसे भी कर सकता था कि मुझे पता है सबसे पहले क्या आएगा, बी, तो बी उल्टे क्रम में लिखूंगा तो बी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सी, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपके पास कौन कौन सा बच गया, जे बच गया, और उसके बाद आएगा जे, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपकी वैल्यू आएगी टी, और उसके बाद आएगा वी, ये आ जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, पहले वी लिखोगे फिर टी, ये भी, या इसको आप लास्ट में इतनी वैल्यू को, क्योंकि सवर को आप सीधा लिख सकते थे, व्यंजन के केस में आप नंबर भी लिख सकते थे, और यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टी एक ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और लिखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। शब्द मॉनेटरी, शब्द मॉनेटरी में व्यंजन को वर्णमाला के उल्टे क्रम में पहले लिखना है, व्यंजन को वर्णमाला के उल्टे क्रम में पहले लिखना है, और सवर को वर्णमाला क्रम में बाद में लिखना है। यानी शब्द मॉनेटरी में पहले व्यंजन को लिखना है और वर्णमाला के उल्टे क्रम से, और बाद में आपने स्वर को लिखना है, वो भी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट वर्णमाला के क्रम में। तो बताओ इसमें क्या आंसर होगा, वही ऑप्शन 0, 1, 2, 3। चलो देखो, मॉनेटरी शब्द है, हमें बोला गया है कि व्यंजन को वर्णमाला के उल्टे क्रम में पहले व्यवस्थित करना है और स्वर को बाद में व्यवस्थित करना है, और वो भी क्रम में। सबसे पहला काम जो कम होते हैं उनको देख लो, ए है, ई है और ओ है, ये तीन है, तो सबसे पहले तो इनको ही लास्ट में, जब तीन है तो लास्ट तीन स्टेप पर ही आएंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट आएंगे, तो ए पहले आएगा, फिर ई आएगा, और फिर ओ आएगा, ये ऐसे लिख दोगे। अब बचे हुए व्यंजन लिखने हैं और वो भी उल्टे क्रम में, तो सबसे पहले लास्ट वाला आएगा, मतलब क्या आएगा, वाई आएगा, तो पहले वाई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एन, और उसके बाद एम। तो आप देखेंगे कि सिर्फ ए एक ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित है या स्टार्टिंग से उतनी ही दूर है जितना वो था। तो ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन करें, रूल कर लेते हैं, जो यहाँ दो मैंने लिखे हुए हैं इसी से, थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, प्रैक्टिस हम कल करेंगे, ठीक है ना। रूल लिखते हैं पहले, जैसे यहाँ से ही दो शब्द उठा लेते हैं, ये लिखे हुए हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव, ये समझने वाला है, क्योंकि इस जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो अभी पूछा जाता है एग्जाम में, ज्यादातर यही आता है अल्फाबेट के क्वेश्चन, ज्यादातर। क्वेश्चन की भाषा क्या आती है कि जैसे आपको ये शब्द लिख दिया ऑब्जेक्टिव, और क्वेश्चन की एक लैंग्वेज आएगी कि ऑब्जेक्टिव में ऐसे कितने जोड़े हैं, इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं जो
अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही दूर हैं जितने इस शब्द में हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही दूर हैं जितने कि इस शब्द में हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं ये हमसे पूछ लिया जाता है। जैसे मतलब यहां से आप देखोगे कि टी और वी है, अगर आप अल्फाबेट लिखते हो तो एस टी यू वी ऐसे लिखोगे, तो टी व बी के बीच में कितने आएंगे, बीच में एक ही तो आएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा जोड़ा है जिसको अगर अल्फाबेट में भी लिखते हैं तब भी इनके बीच में क्या है, एक ही है, यानी ये एक ऐसा जोड़ा है। तो ऐसे जोड़े ढूंढने होते हैं। ये भी हो सकता था कि वी यहां लिखा होता, मान लो वी यहां होता और टी यहां होता, तब भी तो मैं यही कहता कि वी यहां है, तब भी तो मैं ये बोलूंगा कि इन दोनों के बीच में एक ही है और यहां भी क्या है, एक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही ऐसा गया है कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम देखकर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें नंबरिंग ही पता होनी चाहिए। जैसे यहां मैं 20 लिख देता और यहां लिख देता 22, तो मुझे काउंट क्या करना पड़ता, 20 21 22, मतलब इन दोनों के बीच में 21 ही आएगा और वही यहां एक ही यहां है, एक ही उधर आता। तो इस तरीके के क्वेश्चन नंबरिंग लिख के सॉल्व होते हैं, पर साथ में ध्यान ये रखना है कि नंबरिंग को काउंट कैसे करना है, उसमें कई बार गलती हो जाती है। जैसे सबसे पहले हम नंबरिंग लिख लेते हैं कि 15 2 10 5 3 20 9 22 5, ठीक। एक साइड से हम शुरू कर देंगे, जैसे यहां से तो 15 16 17 18 19 20, ओ और टी के बीच में चार होते हैं, यहां भी चार हैं, तो ये जब हम काउंट करेंगे तब पता लगेगा। देखो ओ और टी के बीच में चार ही होंगे ना, ठीक है। तो यहां देखो 15 16 17 18 19 20 21 22, मतलब एक जोड़ा ये भी है इसके साथ में, ठीक, क्लियर है। और आगे 23, मतलब उससे नहीं है। अब बात आएगी दो की, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, इधर भी चेक करना होगा 2 और 3। फिर 10 के केस में देखेंगे 10 11 12 इस साइड नहीं है, इधर 10 11 12 13 14 15 16 नहीं आएगा। फिर 5 का चेक करेंगे कि 5 6 7 8, 5 6 7 8 9 10 नहीं आएगा। फिर 3 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 नहीं होगा। फिर 20 21 22 23 24 25, अगर 15 से 20 पे मैच हुआ है, जिस पर मैच हुआ है, और 15 से जिसका आगे मैच होता है उसका ये भी 100% मैच होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों होगा, देखो 15 से मैं यहां पहुंचा जब 20 काउंटिंग हुई तभी तो ये दोनों मैच हुए, और 15 से जब मैं और आगे बढ़ा तो यहां से जब मैं 20 पर मैच कर पाया, तो 15 की कंडीशन में मैंने यहां क्या बोला था 21, यहां क्या बोला था 22, तो वही कंडीशन में 20 के केस में भी तो बोलूंगा 20 21 22। ये बहुत हेल्प करता है गलती ना होने से, यानी अगर कोई वैल्यू ऐसी है जिससे कोई मैच हो गया और उससे आगे इससे भी मैच हुआ है तो उससे भी मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि वहां से दोनों की, क्योंकि 15 से शुरू करते करते भी यहाँ 21 होगा और इससे भी 21 होगा, इसलिए इन दोनों की काउंटिंग सेम हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो आगे इस इधर नहीं होगा। फिर 9 के केस में देखेंगे 9 10 11, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं होगा, 22 इधर नहीं होगा, एक मिनट, 9 10 11 12 13 14 15, हाँ सॉरी, तो ये हो गया इसमें। और 22 के केस में देखेंगे तो 22 23 24 25 26, देखो 26 के बाद आप छोड़ दोगे, देखो यानी ये ऐसे नहीं करना कि 22 23 24 25 26 1 2 ये मैच हो गया, नहीं, 26 तक, ठीक है ना, बस। और 5 के केस में देखेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हम देखेंगे कि 1 2 3 और 1 4, चार ऐसे जोड़े होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में
होते हैं। ये तरीका रहेगा। एक क्वेश्चन आप इसका अभी देखो, बाकी इसमें कल प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में आए हुए 10 से 12 एग्जाम्पल हम लेंगे। इसका आंसर बताओ मॉनेटरी में क्या आएगा, क्या क्या आंसर आया इसमें? दो, इसके अलावा भी किसी को लगता है कि दो से ज़्यादा भी हैं? एक आंसर तीन आया है। देखो देखो, जिसका बच्चे का इन क्वेश्चनों का बेस नहीं है वो तो ध्यान से करेगा ही करेगा, जिस बच्चे ने पहले पढ़ रखा है वो पता है स्पेशली इनको वैसे घर पे तो करेगा नहीं। इससे अच्छा कोशिश यही रखनी है कि यहाँ पे जितने एग्जाम्पल हो कम से कम उसकी प्रैक्टिस कर ली जाए, बाद में ये आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ कोशिश करोगे इसमें आप इसको करने की, ठीक है ना? तो एम किस पर आएगा? 13, ये 15, ये 14, ये 5, ये 20, 1, 18 और वाई क्या आ जाएगा, सॉरी 25, 25 पे, ठीक है? ये नंबरिंग लिख लोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं आएगा। 15 से इधर 16 आएगा, नहीं होगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं होगा। 14 से 15 एक आएगा, इधर आगे 16 हो जाएगा, नहीं होगा। 14, 15, 16, 17, 18 इधर भी आ जाएगा, और 19 नहीं होगा इधर। आगे 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं आएगा। 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर भी नहीं आएगा। 18 इधर नहीं होगा, 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं आएगा। 25, 26 बस खत्म हो गया, यानी कि 25, 26 और फिर एक कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो कितने हो गए? तीन हो गए। तो देखो कहने को तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर कुछ बच्चों का तो गलत हो गया ना, और एक नंबर का क्वेश्चन होगा और हल्की सी भी गलती हो गई, कहीं भी आपने नंबर गलत लिख लिया, काउंट करने में जल्दबाजी कर जाते हो। तो क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है, आसान भी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो खेल किस चीज़ का है? सिर्फ प्रैक्टिस का है, कि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना गलती का चांस कम रहेगा, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस हम कल की क्लास में कुछ एग्जाम्पल और करेंगे।